हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट का फिर एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, मध्य प्रदेश सरकार का मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित में लिया गया एक बहुत ही बड़ा फैसला। हाल ही में मध्य प्रदेश की जो सरकारी वैकेंसियां निकल रही थी या जो निकली हुई थी, उनको लेकर मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार युवक हैं उनके मन में एक आक्रोश था। और यह आक्रोश था इसको लेकर कि मध्य प्रदेश सरकार उन भर्तियों में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी अलाउ कर रही थी। इसको लेकर सरकार को समय समय पर आंदोलन के जरिए चेतावनी भी दी जा रही थी कि सरकार अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मध्य प्रदेश की जो नौकरियाँ हैं उनमें बैठने का अधिकार दें। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जितनी भी वैकेंसियां थीं वो राष्ट्रीय लेवल पर निकल रही थी। तो हाल ही में जब 15 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भाषण हुआ, तो उन्होंने यहीं पर इस बात के संकेत दे दिए थे कि आने वाले समय में अब मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश के जो भी रिसोर्सेज हैं उन पर अधिकार देगी। तो यहाँ पर आज जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि वह एक कानून बनाने जा रही है जिसमें सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के जो युवा बेरोजगार या मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनका ही मध्य प्रदेश के रिसोर्सेज पर अधिकार रहेगा। यानी कि मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी नौकरियाँ निकलेंगी अब उन पर केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं उनका ही अधिकार रहेगा, वही फॉर्म भर पाएंगे। अब कानून बनने के बाद ही इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है कि बाहरी अभ्यर्थियों को क्या इसमें बिल्कुल भी कोटा नहीं रहेगा या कुछ परसेंटेज सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएंगी या कुछ अलग से कुछ प्रावधान किए जाएंगे इन नौकरियों को लेकर। इस संबंध में हाल ही में कुछ न्यूज़ हमें प्राप्त हुई, आइए हम चर्चा करते हैं वह न्यूज़ भी क्या है। स्टूडेंट, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज की तलाश में है, तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें मिलने वाली टेस्ट सीरीज अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज है। यदि आप जेल प्रहरी की सर्वश्रेष्ठ तैयारी करना चाहते हैं, उस टेस्ट सीरीज में यदि आप माई स्मार्ट 40 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 40% का एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं तथा इसका डेमो भी ले सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के कुछ न्यूज़ सोर्स से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि शिवराज सरकार का बड़ा फैसला अब मध्य प्रदेश के नौजवानों को ही दी जाएगी नौकरी। तो इसमें लिखा गया है कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश की शिवराज सरकार का फोकस युवा और बेरोजगारों पर बना हुआ है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया है। इसके तहत मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां अब मध्य प्रदेश के नौजवानों को ही दी जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस संबंध में जानकारी दी है कि जल्द ही कानून बनाने का फैसला किया जाएगा। आज ही यानी कि आज 18 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की नौकरी अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मिलेगी, इसके लिए आवश्यक कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के संसाधन पर मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही होंगे। ठीक है, इस संबंध में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड परिसर के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसके संकेत भी दिए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। जब नौकरियों के अवसर का अभाव है, ऐसे समय में राज्य के युवाओं की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। प्रदेश में लगातार रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे। शासकीय भर्तियों के लिए अभियान तो चलाया ही जाएगा, साथ ही साथ निजी क्षेत्र में भी अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यार्थियों को उनकी 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची के आधार पर ही नियोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार युवा कौशल के विकास के लिए भी काम कर रही है। भोपाल में सिंगापुर की सहायता से 600 करोड़ रुपये लागत से एक कौशल विकास केंद्र भी बनाया जा रहा है। इसके लिए स्टार्टअप
चालू करने के लिए अलग फंड बनाया जाएगा। इक्यूवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। सरकार प्रदेश के नागरिकों के लिए सिंगल सिटीजन डाटाबेस भी तैयार कर रही है ताकि लोगों को हर योजना का लाभ मिले और उसके लिए अलग अलग पंजीयन ना कराना पड़े। इतना ही नहीं, सीएम ने यह भी कहा है कि प्रदेश के नागरिकों को सिंगल सिटीजन डाटाबेस तैयार करने के बाद उन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ रेडीमेड क्षेत्र के उद्योगों में भी बड़ी संख्या में रोजगार सृजन किए जाएंगे। इसके अलावा अब संयंत्र एवं भवन निर्माण में 25 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाली गारमेंट निर्माण इकाइयों को भी मेगा स्तर पर औद्योगिक इकाई माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 10 संभागीय आईटीआई के अच्छे भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है ताकि जो छात्र हैं वो रोजगार के लिए शिक्षित कौशल प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, यह न्यूज़ आई थी। और न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।